और आप देख रहे हैं पल पल। कर्जदार हुआ टोहाना का दमकल विभाग। क्षेत्र में आगजनी की घटना तो मूक दर्शक बनी रहती है। दमकल विभाग की गाड़ियों में तेल खत्म हो चुका है। पेट्रोल पंप वालों ने भी पूरी तरह से मना कर दिया। सब फायर इंस्पेक्टर और ऑफिसर ने इस बात का जवाब दिया है। दमकल विभाग के पास मौजूद विभाग की गाड़ियां अब शो पास बनकर रह गई है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए जो तेल डाला जाता है उसके लिए विभाग के पास पैसे नहीं हैं। वहीं पेट्रोल पंप की बकाया राशि अधिक होने के चलते उन्होंने गाड़ियों में तेल डालने से भी इनकार कर दिया है। क्षेत्र में यदि कहीं आगजनी की घटना हो जाती है तो गाड़ियों में तेल न होने के कारण, तेल डलवाने के लिए पैसे न होने के कारण कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। विभाग की लापरवाही व बकाया पेमेंट नहीं देने के चलते दमकल विभाग को पेट्रोल पंप मालिकों ने तेल डालने से साफ मना कर दिया है, जिससे अब ये दमकल विभाग की गाड़ियां विभाग कार्यालय की शोभा तो बढ़ा रही हैं, परंतु किसी बड़ी घटना में ये सहयोगी नहीं हो सकती। इस बारे में जानकारी देते हुए फायर ऑफिसर मोहनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दमकल विभाग के पास जो गाड़ियां हैं उनमें तेल न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस पेट्रोल पंप से तेल लिया करते थे उनका महीनों से पेमेंट बकाया होने के कारण उन्होंने तेल देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फोन का बिल भी अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है, जिससे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में विभाग पर सवाल उठना तो लाजमी बनता है, क्योंकि आने वाले समय में गर्मियों के दिन हैं और चारों तरफ गेहूं का भूसा और गेहूं निकालने के लिए जमींदार किसान कनकों की कटाई शुरू कर देते हैं। ऐसे में देखा गया है कि अधिकतर गर्मियों के समय में आगजनी की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर विभाग इसी तरह से सुस्त बना रहा तो काफ़ी बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं। पल पल टोहाना से खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मोहन लाल। किस डिपार्टमेंट में? मैं फायर ब्रिगेड में सब फायर ऑफिसर हूँ। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? आज हड़ताल की गई, क्या मामला? दिक्कत सारी है जी, 11वें महीने से लेके आज तक 4 महीने हो गए तनख्वाह को नहीं मिली, और 11वें से लेके आज तक का ही तेल का बिल बकाया पड़ा है। पेट्रोल पंप वालों ने तेल देने से मना कर दिया है, भाई आगे के बिल दो तो फिर तेल लो। बड़ी मिन्नता करके पिछले महीने मैंने तेल लिया था गाड़ियों में, वो भी अभी समाप्त होने को है। आगे गेहूं का सीजन आने ही वाला है, आ गया लगभग। सीजन में अगर तेल नहीं मिला तो फिर तो गाड़ियां आग पर जाने से मना ही है, गाड़ी नहीं जा सकती। टेलीफोन का बिल है, 4 महीने से टेलीफोन का बिल मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूँ, भाई आज मिल जाएगा जी, आज मिल जाएगा जी, आज तक तो मिला नहीं। अभी एक टेलीफोन रतिया का है, उसका भी मेरे को भरना पड़ेगा, रतिया का चार्ज भी मेरे पास है। ये तनख्वाह तो इधर नहीं मिलती, फिर बाद में टेलीफोन का बिल भी भरो। टेलीफोन का बिल नहीं भरेंगे तो फिर सूचना हमारे पास कैसे आएगी? आग की सूचना ही तो टेलीफोन के द्वारा आ जाती है। आपने सूचना आ जाती है तो फिर कैसे जाओगे? अभी तक तो गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा तेल पड़ा है, जा सकती है शहर के अंदर अंदर तो, और अगर बाहर से कोई काल आ जाती है तो शायद ही गाड़ी जा पाओगी मेरी। क्या लगता है जैसे नवनियुक्त मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और निरीक्षण किया था, आपसे कभी जानने का प्रयास किया आपको किस चीज़ की दिक्कत है? नहीं जी, मेरे से दिक्कत कुछ नहीं पूछी गई, मेरे को बस सिर्फ चेक कराया गया था, भाई आप ड्यूटी पे सही आते हो? हाँ जी सही आता हूँ, ड्यूटी पे तो मैं लोकल हूँ, रात को भी जाता हूँ, आग लगती है जब, और जब भी ज़रूरत पड़ती है आग के बारे में तब तो मैं हाजिर रहता हूँ। वैसे भी 9 से 5 ड्यूटी है मेरी। बस मांग यही है जी, एक तो हमारे को तनख्वाह मिल जाए, और गाड़ियों का तेल और टेलीफोन के बिल, अभी मार्च में हम रिपेयर भी करवाते हैं गाड़ियों की थोड़ी बहुत, भाई चलो आग का सीज़न आने वाला है, रिपेयर करवा लेते हैं, तो रिपेयर का खर्चा तो अभी मेरे पास तो है नहीं, अब रिपेयर कैसे करवाऊँ? और सीज़न में अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो फिर तो दिक्कत आवेगी। आज हड़ताल पर बैठे हो, क्या मांग को लेकर? हड़ताल पर तो ये सिर्फ कर्मचारी से काल, आज मैं हड़ताल पर नहीं हूँ वैसे।